हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जोटा ब्लॉग। दोस्तों, टाटा नेक्सॉन का जो मजा टॉप वेरिएंट में है ना, वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि टॉप वेरिएंट में सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। और ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो, ये है फियरलेस पीआरएस ड्यूल टोन डीसीए। प्राइस चेकआउट कीजिएगा स्क्रीन पे। और ये कलर ऑप्शन है माय फेवरेट पर्पल ड्यूल टोन कलर। चलिए फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। स्लीक डिजाइन के फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में टाटा का लोगो बीच में दिया गया है, बहुत ही शानदार अमेजिंग लग रहा है। और वहीं सबसे ऊपर आपको यहां पे दिया गया है एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है। और जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प यूनिट, ट्विन फॉग लैम्प, एयरवेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। और फ्रंट बम्पर पे दिया गया है बीचों बीच फ्रंट पार्किंग कैमरा एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट की जगह कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। और फ्रंट में आपको स्किट प्लेट दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश में। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी शानदार और जबरदस्त स्टनिंग रहने वाला है। साइड प्रोफाइल में 16 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। व्हील साइज है 215/60R16। वार्बियम आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। साइड कैमरा दिया गया है ऑटोफोल्ड ऑप्शन के साथ। यहाँ पे दिया गया है रेन सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रूफ रेल दिया गया है ड्यूल टोन में। और ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में ही अवेलेबल कराया गया है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। और इस गाड़ी की जो डायमेंशन है चेकआउट कीजिएगा साइड प्रोफाइल में। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सबसे ऊपर साकफिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में दिया गया है। हिडन वाइपर के साथ साथ यहां पे डिफॉगर दिया गया है। शानदार एलईडी कनेक्टिंग टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। लोगो के नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है। ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, हॉरिजॉन्टली नेक्सॉन की ब्रांडिंग दिया गया है। और दोनों ओर आपको यहाँ पे शानदार हाउसिंग में दिया गया रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट, रिवर्स पार्किंग सेंसर, नंबर प्लेट की जगह स्किट प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया, ओपन करते ही कुछ इस तरह ओपन हो जाता है। ऑल ब्लैक थीम के साथ यहाँ पे लेदर डस्ट दिया गया है पर्पल कलर का, बहुत ही शानदार। ऑटो फोल्ड ओआरबीएम के कंट्रोल दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। 1 लीटर का बोटो होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। नीचे स्पीकर दिया गया, 9 स्पीकर मिल जाते हैं सब ऊपर के साथ। काफी शानदार डैशबोर्ड लेआउट इस वेरियंट की, लगता है कि किसी प्रीमियम एसयूवी का यहाँ पे इंटीरियर है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, उसके कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है, वो भी मैनुअली एडजस्टेड, परफोरेटेड लेदर अपोस्टी, ड्यूल टोन में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह। और यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, क्रोम फिनिश में हैंडब्रेक, 3 ड्राइव मोड्स, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। और जैसे कि डीसीए वेरियंट है कुछ इस तरह का, इसका ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक, और आगे आपको कुछ स्टोरेजेस दिए गए हैं और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं टच पैनल के साथ। बूट ओपनर का बटन, स्लीक डिजाइन में यहाँ पे एसी वेंट और लेदर टच दिया गया है। बॉडी कलर पर्पल कलर का, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया गया है। 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह व्यू आता है काफी क्लैरिटी के साथ। और साथ में सपोर्ट करता है Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, AUX एंड USB को। और वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10.25 इंच का ही दिया गया है। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। और इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफ़ी शानदार एम्बियंट। एंड स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें, फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, लेदर रैप, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। और इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो यहाँ पे दिया गया, काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। और ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेगमेंट का सबसे लार्ज ग्लोव बॉक्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। टैबलेट ट्रे दिया गया है, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, सेंटर में दिया गया है यहाँ पे कैबिन लाइट, वो भी एलईडी में। बैटरी की थोड़ी दिक्कत हो गई है। वन टच इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वन टच ओपन, वन टच क्लोज भी कर सकते हैं, थोड़ी सी बैटरी की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे, एयरबैग आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। पैसेंजर साइड ऑटो डिमिंग आईआरबीएम के साथ, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो पावर विंडो के कंट्रोल, पियानो ब्लैक फिनिश में, और यहां पे पर्पल कलर का लेदर टच दिया गया, काफी प्रीमियम। 1 लीटर का बोटो होल्डर, स्पीकर और यहाँ पे ट्विटर दिया गया है JBL के, क्योंकि ये टॉप वेरियंट है। और यहाँ पे
तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं दोस्तों। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और बीच में आर्मरेस्ट दिए गए हैं टू कप होल्डर के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफ़ी प्रीमियम कैबिन और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी मिलता है और रियर एसी वेंट दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी प्रीमियम लगता है दोस्तों। इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लगता है किसी ऑडी या बीएमडब्ल्यू कार में बैठे हो। चारों ओर कोलेप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया कोटो के साथ, इलेक्ट्रिक सनरूफ का आनंद ले सकते हो और लेग रूम, नी रूम काफ़ी डिसेंट, हेड रूम भी बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते हैं इसके बूट गेट को और इस बार ही आपको 382 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी लार्ज। एक बार दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। वहीं लेफ्ट साइड आपको दिया गया बूट लैंप, यहाँ पे बैटरी ना होने के कारण यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, और चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और कुछ इस तरह ओट हुक और 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट और जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील टूल किट के साथ और यहाँ पे दिया गया JBL की बुफर। कुल मिला के 9 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं बूट गेट को और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं और ये वेरिएंट में आपको मिलते हैं BS6 सेकंड स्टेज RDNE20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि 120 PS की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, अतः करीबन 17.44 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम करती है दोस्तों। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में टाटा नेक्सॉन को पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है और इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको मिलता है 6 एयरबैग जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो डिमिंग, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रिटेंशन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, 3-पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर हजार्ड वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों 2024 टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल की कंप्लीट रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।